आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, यहाँ के लोगों का सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन कैसा था, यहाँ की लेखन और लिपि शैली कैसी थी और इस सभ्यता का अंत किन कारणों से हो गया था। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता के अवशेष खोजे थे। इस सभ्यता का विस्तार आधुनिक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। आइए अब हम जानते हैं कि यहाँ की नगर योजना कैसी थी। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना थी। नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। गंदे पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। समाज व्यवसाय के आधार पर चार भागों में विभाजित था। विद्वान, योद्धा एवं प्रशासनिक अधिकारी, व्यवसायी तथा श्रमजीवी। सोने, चांदी, हाथीदांत, तांबे एवं सौंप आदि से निर्मित आभूषणों का प्रचलन था जिन्हें स्त्री और पुरुष समान रूप से पहनते थे। जुआ खेलना, शिकार करना, नृत्य तथा गाना बजाना आदि लोगों के आमोद प्रमोद के साधन थे। मिट्टी के अतिरिक्त सोने, चांदी एवं तांबे से निर्मित बर्तनों का प्रयोग था। समाज में वैश्यावृत्ति एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन था। यहाँ के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। इस काल में पशुपतिनाथ, महादेव, वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी तथा लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास व जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड विशेष रूप से पूजनीय था। मृतकों के संस्कारों में पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह कर्म शामिल थे। स्वास्तिक जीव चिन्ह संभवतः इसी सभ्यता की देन है। अब हम जानते हैं कि यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। मुख्य व्यवसाय कृषि था। गेहूँ, जौ, कपास, चावल एवं फल, खजूर, तरबूज आदि की खेती की जाती थी। गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता आदि पशु पाले जाते थे। सुरकोटटा नामक स्थान में घोड़े के भी अवशेष मिले हैं। उद्योगों में सूती व ऊनी कपड़ों का विशेष स्थान था। ये लोग धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार औजार निर्माण उद्योग व परिवहन उद्योग से परिचित थे। कांसा, तांबा तथा टिन को मिलाकर बनाया जाता था। इस सभ्यता की मोहरें एवं अन्य वस्तुएं पश्चिम एशिया तथा मिस्र में मिली है जो उन देशों के साथ इस देश के व्यापारिक संबंध की द्योतक है। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब हम जानते हैं कि यहाँ की लिपि एवं लेखन शैली कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी जिसे अब तक नहीं पढ़ा जा सका है। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा द्वितीय पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती है। लेखन की इस शैली को बाउस्ट्रोफिडन कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि इस सभ्यता का अंत किस कारणों से हो गया। यह सभ्यता तकरीबन 1000 साल रही। इसके अंत के कारणों के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है और अलग अलग मत दिए हैं जिनमें प्रमुख है आर्यों का आक्रमण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों ने यहाँ आक्रमण कर दिया था जिस कारण इस सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़, सामाजिक ढांचे में बिखराव, भूकंप आदि मतलब प्राकृतिक आपदा का कारण कुछ इतिहासकारों ने बताया है। ये वीडियो मेनली स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। गाइस, जो UPSC है उसमें मेनली क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिक टाइप के पूछे जाते हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट से पूछे जा रहे हैं, सीधे फैक्ट उठा के वहाँ पूछा जाता है। तो अब हम इस वीडियो से उन फैक्टों को निकालेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के
पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो पहला फैक्ट है, इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी, ठीक है याद रखिए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता की खोज की थी, ठीक है, उन्होंने अवशेष खोजे थे। अगला पॉइंट, ये जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के लोग पक्की ईंटों से वाकिफ थे और इनके मकान भी ईंटों से बने होते थे। और जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक था। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो यहाँ के लोगों का धार्मिक जीवन में काफ़ी रुचि थी और पशुओं में कुबड़ वाला सांड, याद रखिए कुबड़ वाला सांड विशेष रूप से पूजनीय था। आर्थिक जीवन से ज़्यादा रिलेटेड कुछ नहीं है, क्यों मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आर्थिक जीवन से थोड़ा कम आते हैं, ठीक है। मेनली क्या था, मेनली यही पूछा जाएगा कि इनका व्यवसाय क्या था, इनका व्यवसाय कृषि था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सुरकोडटा नामक स्थान से घोड़े के अवशेष मिले हैं, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लेखन और लिपि शैली में हमने जाना कि यहाँ की जो प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं लिखते थे और द्वितीय पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये तो ठीक है, लेकिन इस लिपि को कहते क्या हैं, इस लिपि को बोलते हैं बाउ स्ट्रोफिडन, बाउ स्ट्रोफिडन, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और गाइस और इम्पोर्टेंट तो कुछ है नहीं इसमें, बस एग्ज़ाम के पर्पज़ से इतना काफ़ी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो यहाँ का प्रसिद्ध बंदरगाह था, ठीक है, लोथल, वो कहाँ स्थित है, तो वो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।